राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में जो भी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड। आप खुद कहेंगे जब इन्हें यूज करेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले पता होते तो थोड़ी बहुत आप मनी सेविंग भी कर पाएंगी फ्रेंड, और अपने पति की हेल्प भी कर पाएंगी घर के खर्चों में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स होने वाली हमारी चाय की पत्ती को लेकर। देखिए फ्रेंड, होता है क्या कि ये चाय की पत्ती का यूज हम मतलब किस लिए करते हैं अपने घरों में, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जब थकान सी महसूस होती है तो हम तुरंत चाय बनाते हैं और पीते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती हमें महसूस होती है। लेकिन देखिए फ्रेंड, एक इसका अलग यूज आपको मैं बताने जा रही हूँ। कभी कभी होता है कि हमारे घर में किसी को लूज मोशन लग जाता है या हमें खुद दस्त लग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हम टॉयलेट में बार बार जाते रहते हैं। हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द की ऐठन लगती है जिससे कि हम बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपको करना क्या, आधी चम्मच के करीब चाय की पत्ती लेनी है और ताजा पानी लेना है। अब इस चाय की पत्ती को आपको फांक लेना है, चबाना नहीं है फ्रेंड, फांक लेना है, ऊपर से आपको पानी पी लेना है। दिन में आप इसे 3 बार ले लीजिएगा फ्रेंड, आपके दस्त एकदम बंद हो जाएंगे, आपके पेट में जो दर्द की ऐंठन है वो भी खत्म हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड, अगर आपको फिर भी आराम नहीं लग रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से आप परामर्श लें, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से भी आप चाय की पत्ती को यूज कर सकते हैं और अपने पेट का दर्द बंद कर सकते हैं। अब इसकी एक टिप्स और आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड, ये भी बहुत ही अच्छी होने वाली। तो देखिए फ्रेंड, अक्सर होता है क्या, हम मार्केट से खुली चाय की पत्ती लेके आ जाते हैं। कभी होता है ना कि चाय की पत्ती बिकती हुई होती है तो हम खुली चाय की पत्ती ले लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये चाय की पत्ती ओरिजिनल है या नकली है। तो जब भी आप मार्केट से चाय की पत्ती लेके आए फ्रेंड, तो आपको इसे थोड़ा सा चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है, आपको थोड़ी सी चाय की पत्ती लेनी है और आपको लेना है पानी। और देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है, इसके बाद जो मतलब पानी है ना, पानी को आपने इस चाय की पत्ती के ऊपर आपको डालना है। तो उससे मतलब कि आपको पता चल जाएगा फ्रेंड कि ये चाय की पत्ती आपकी ओरिजिनल है या नकली है। जब आप इसके ऊपर पानी डालेंगे ना तो पानी से ये इस कलर छोड़ने लग जाएगी। इसे थोड़ा सा मसल दीजिए इस तरीके से चाय की पत्ती को, तो अगर ये इसमें कलर लगा हुआ होगा तो ये इसका कलर ना आपकी फिंगर पे लग जाएगा, आपकी फिंगर लाल जैसी हो जाएगी। तो अगर आपकी फिंगर पे कलर आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये चाय की पत्ती नकली है फ्रेंड। तो आप इसे बिल्कुल यूज ना कीजिएगा क्योंकि ये चाय की पत्ती आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो अब देखिए फ्रेंड, आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर ये जो मेरी फिंगर है बिल्कुल साफ सुथरी है, इसमें मतलब कि कलर वगैरह नहीं आया है। तो आप इस तरीके से चाय की पत्ती को चेक जरूर कीजिएगा लाने के बाद। अब इसकी अगली टिप्स होने वाली है फ्रेंड हमारी नेल कटर को लेकर। देखिए फ्रेंड, होता है क्या, हमें जब भी नाखून काटने होते हैं तो हम नाखून काटने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ पर बैठे हैं और नाखून अपने कट कर रहे हैं। जहाँ पर बैठते हैं वहीं पे नाखून गिराते रहते हैं, और मतलब थोड़े बहुत उठाते हैं, मोटे मोटे से नाखून उठा लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं तो वो जैसे ही चलते हैं तो उनके पैर में नाखून गड़ जाते हैं और बच्चा रोने लगता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि वो बच्चा बोलकर बता भी नहीं सकता कि मेरे पैर में ये नाखून गड़ा हुआ है, चुभा हुआ है। तो आपको ये परेशानी भविष्य में ना हो फ्रेंड, इसीलिए आपको ये वाली टिप्स मैं आज शेयर कर रही हूँ। आपको करना क्या है, पहले तो अपने नाखून काट लेने हैं। जहाँ पे भी आप काट रहे हैं तो आप चलते फिरते नाखून ना काटिएगा, एक ही जगह पर बैठकर अपने नाखून काटिएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये नाखून मैंने काट लिए हैं, अब इसको उठाना कैसे है। अगर आप झाड़ू से भी उठाते हैं तो फिर भी नाखून के छोटे छोटे से पार्ट नीचे फर्श पर रह ही जाते हैं। देखिए, आपको करना क्या, सेलो टेप लेनी है और थोड़ा सा टुकड़ा इसका कट कर लेना है। अब आपको करना क्या, जितने भी नाखून हमने कट किए थे टैप टैप करके, इसे सारे के सारे इस टेप के ऊपर उठा लेने हैं। जितने भी नाखून के छोटे बड़े पार्ट होंगे सारे के सारे, वो सब इस टेप के ऊपर चिपक कर आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रही हूँ, सारे नाखून जो थे जितने भी थे वो सारे के सारे इस टेप के ऊपर चिपक गए हैं। बस आप कीजिएगा क्या, इसे फोल्ड कीजिएगा और फोल्ड करने के बाद आप इसे डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। फ्रेंड, टिप्स आपको छोटी सी लग रही होगी लेकिन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूजफुल है। आप इसे ट्राई किया कीजिएगा फ्रेंड बाद में, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब देखते हैं फ्रेंड पेटीकोट की टिप्स। अक्सर होता है कि कभी कभी हमारे पेटीकोट की डोरी ना खिसक जाती है, और जब हम उंगली डालकर इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि डोरी ज़्यादा अंदर पहुंच गई है, जिससे कि हमें पूरा का पूरा नाड़ा हमारा दोबारा से डालना पड़ता है, यानी कि निकालनी पड़ जाती है इस डोरी को। अब हम इसे करते क्या, दोबारा से डालने के लिए इसमें पिन का यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, पिन का यूज जब हम करते हैं इसमें, तो पिन भी कभी कभी बीच में खुल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पिन से भी काफ़ी देर में हमारी डोरी डलती है, डल तो जाती है लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आपको करना कि आपके घर में जो भी चिमटा रखा हुआ है ना, आपको वो ले लेना है देखिए मेरे तरीके से, और इसमें ना डोरी फंसा देनी है। अब आपको करना क्या, पेटीकोट के नेफे में चिमटे को डालना है और
इस डोरी को डाल लेना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एक साइड से आप डालेंगे, चिमटे को दूसरी साइड से निकालेंगे ना, तो मतलब मैं तो कहती हूँ 2 ही सेकंड में आपकी जो डोरी है पेटीकोट के अंदर डल जाएगी बहुत अच्छे से। आप किसी भी कपड़े में इस ट्रिक से डोरी डाल सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एकदम आपका काम जो मिनटों का था वो सेकेंडों में हो जाएगा। आई होप कि ये वाली ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। तो देखिए फ्रेंड, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों से डोरी डाल लेते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा अगर न्यू करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारा समय तो यहाँ पर बच ही गया है फ्रेंड। तो देखिए कितने आसानी से मैंने इस पेटीकोट के अंदर चिमटे से डोरी डाल ली है। अब देखते हैं फ्रेंड चन्नी की टिप्स। तो इस तरीके की जो चाय छाननी होती है हमारे घरों में अक्सर पाई जाती हैं, तो यहाँ पर प्लास्टिक की चन्नी होती है हमारे घर में और एक जाली वाली स्टील की होती है। तो लेकिन हमें करना क्या, हमें यहाँ पर ये अगर इस तरीके की स्टील वाली चन्नी है तो आपको वो ले लेनी है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फट गई है, जो इसकी जाली है बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो ये किसी काम की नहीं थी, रखी हुई थी काफ़ी दिनों से घर में, समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे यूज करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ बनाते हैं किचन के लिए ऑर्गेनाइजर। तो मैंने यहाँ पर इसे उठा लिया है, इसका जो मतलब ये जाली वाला पार्ट था वो हटा दिया निकाल कर, और इसके जो फ्रेम को इस तरीके से थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर लिया। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से कुछ इसकी शेप हो गई है। अब हमें करना क्या, हमें चाहिए होंगे एस हुक। तो ये एस हुक आप घर में बना सकते हैं इजीली, आप किसी सिल्वर के तार से बना सकते हैं, आपके पास मेटल की चूड़ी रखी है पुरानी, सिल्वर की चूड़ी रखी है पुरानी, तो उसे भी यूज कर सकते हैं इन हुक को बनाने के लिए। तो एस हुक बहुत ही काम के होते हैं फ्रेंड, आप इसे बना के रख सकते हैं इजीली और ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एस हुक इसके अंदर सेट कर दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड, इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इसका यूज करूँगी मैं अपने किचन में। तो यहाँ पर आप इसे किचन में कहीं पर भी टांग दीजिए, किसी भी कील खुटी में, और जितने भी आपके किचन के स्पैचुलाज हैं, टूल्स हैं, चाकू छुरी हैं, पिलर्स हैं, तो वो सब आप इसमें टांग के रखिएगा फ्रेंड, आपको मतलब तुरंत मिल भी जाएंगे, ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे और ये बिखरे बिखरे भी नहीं रहेंगे, और आपकी पुरानी चाय छानने का एक बहुत ही अच्छा सा रियूज भी आप कर पाएंगे फ्रेंड। देखिए कितना सुंदर ये ऑर्गेनाइजर यहाँ पर लग रहा है, आशा करती हूँ कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड स्केच पेन की ये वाली टिप। तो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं फ्रेंड, उनके बच्चों के पास इस तरीके की स्केच पेन तो होती ही होंगी। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चा जब भी स्केच कलर करने के लिए बैठता है, अपने ड्राइंग करने के लिए बैठता है, तो उसके जो कैप होते हैं ना, ये बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। बच्चा कलर करने में इतना मतलब के खो जाता है कि ध्यान नहीं रहता कि हमारा कैप कहाँ गया, और इसी चक्कर से ना काफ़ी सारे स्केच पेन के कैप जो होते हैं ना वो गुम हो जाते हैं, खोए जाते हैं। फिर होता है क्या, जो स्केच पेन होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसका कलर ना उड़ता है एकदम हवा लगने से, ये कलर बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको लेनी है इस तरीके की सेलो टेप, वो आपको रखनी है इस तरीके से, और आपको करना क्या है, ये जो जितने भी स्केच पेन है ना, ये एक एक करके ना इस तरीके से इस पर रख देने हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसके कैप ही टेप के ऊपर जाने चाहिए, स्केच पेन आपको टेप के ऊपर नहीं रखना है फ्रेंड। बस इसके जितने भी ये कैप हैं स्केच पेन के, वो सब इसके ऊपर आपको चिपकाते जाना, इस तरीके से रखते जाना, ताकि जितने भी कैप हैं वो स्केच पेन के इस टेप के ऊपर आ जाइए। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये रख लिए हैं और मैं इसे कट कर देती हूँ। बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड, आपके बच्चों के जो कभी भी ये कैप है ना गुम नहीं होंगे इस टिप्स के द्वारा, बहुत ही यूजफुल टिप्स है, अजमाई हुई है, आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इससे फ़ायदा मिलने वाला है, आपके बच्चे के कलर बहुत टाइम तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसका बाकी पार्ट था मैंने फोल्ड करके ऊपर की तरफ कैप पे चिपका दिया। ये देखिए फ्रेंड, ये जितने भी कैप थे ना स्केच पेन के, सब एक जगह चिपक गए हैं, अलग अलग नहीं रहेंगे अब जब, तो बच्चे को जब भी जरूरत पड़ेगी बच्चा इसमें से स्केच पेन निकालेगा और कलर कर लेगा, लेकिन जो कैप होंगे ना वो इधर उधर गुम नहीं होंगे, वो एक ही साथ पहले से ही फिक्स हैं, जुड़े हुए हैं। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स, इसे यूज कीजिएगा, आपके बच्चों के जो स्केच पेन के कैप है ना कभी भी नहीं खोए जाएंगे और स्केच पेन लॉन्ग टाइम तक चलेगी, इसके कलर वगैरह नहीं उड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, सारी स्केच पेन मैंने निकाल दी है, और देखिए कैप जितने भी थे वो सब एक जगह ही जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट हो चुके हैं इस टेप के द्वारा। तो छोटी सी टिप्स हो सकती है, लेकिन फ्रेंड बड़ी ही यूजफुल है, आपकी काफ़ी सारी मतलब परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्केच पेन बेकार होते हैं बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि हमें नए स्केच पेन चाहिए, तो यही कारण होता है कि स्केच पेन जो होते हैं ना बहुत जल्दी हमारे बच्चों के ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनके कैप जो गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने ये वाली टिप जो शेयर की है, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। आज की वीडियो में आपको कौन सी वाली टिप सबसे अच्छी लगी है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलेगा, किस गांव शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच करें ये भी आप जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलो नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय।